श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आ गई है बहुत ही विशेष तिथि, यानी कि भाद्रपद की पूर्णिमा। बहुत ही विशेष तिथि माना गया है दोस्तों, और इस दिन और भी बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं। 13 वर्षों में यह एक विशेष महत्वपूर्ण योग बनकर आया है, और इस योग पर सभी को कुछ छोटे छोटे से उपाय जरूर करने चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए दोस्तों। भाद्रपद पूर्णिमा जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष दिन माना गया है दोस्तों, अगर इस दिन आप तुलसी के पौधे के कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की में कोई भी समस्या है, धन की, लक्ष्मी की, सुख की, किसी भी चीज़ की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन किए हुए उपाय का लाभ आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेषतः इसे उपयोगी माना गया है, बहुत खास, बहुत ही विशेष दिन माना गया दोस्तों। अगर आप में से कोई भी पूर्णिमा का व्रत रखता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। पर जो लोग इस दिन मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लोग वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहते हैं, कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है, विशेषतः पति पत्नी दोनों व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो जो व्यक्ति इस भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है उसे वैकुंठ का वास प्राप्त होता है, सभी पापों का उसका नाश हो जाता है बस इस दिन व्रत रखने मात्र से। धरती पर तुलसी माता को बहुत पूजनीय माना गया है मित्रों। पूजनीय इसलिए भी माना गया कि जैसे हम गंगा नदी को गंगा माता बोलते हैं, गौ को गौ माता बोलते हैं, वैसे ही तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं माना गया है, तुलसी को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है, तुलसी को माता का स्थान दिया गया है, इसलिए यह बहुत पूजनीय हो जाती है। इस धरती पर किसी भी रूप में जब देवी देवताओं ने भी जन्म लिया है मित्रों, तो उन्हें उन्होंने भी तुलसी का पूजन किया है, उन्होंने भी तुलसी को पूजनीय माना है। जी हाँ, तुलसी अत्यंत पूजनीय मानी गई है, और इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ छोटे छोटे से उपाय शेयर करने वाली हूँ जो कि तुलसी से आपको करना है, तुलसी के पौधे से, तुलसी की पत्तियों से आप इन छोटे छोटे से सरल से उपाय को कर लेंगे तो यकीन मानिए कि बहुत सारे आपके जीवन के कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। और तुलसी का दर्शन मात्र आप कर लेते हैं प्रतिदिन तो ये भी बहुत ही अच्छा माना गया है मित्रों। हर व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाता है, और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, बार बार वह सूख जा रहा है, तो उसके भी कई सारी वजह, कई सारे लक्षण हो सकते हैं, तो आपने ध्यान देना है। और 17 सितंबर यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा एक विशेष दिन है, इसका लाभ जरूर लेना है। इस दिन आपने तुलसी की जड़, तुलसी के पत्ते, तुलसी की मिट्टी का विशेष उपाय करना है मित्रों। वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बताने वाली हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए लाभप्रद होंगे और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी के पौधे से क्या कुछ आपको लाभ मिलता है। सबसे पहला तो ये है कि तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ही पूजनीय पौधा माना गया है, बहुत ही औषधि वाला गुण होता है उसमें, तो आपने उसको अपने घर में लगाना ही चाहिए। अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी खांसी बीमारी जैसी समस्या हमेशा रहती है तो आप एक नियम बना लीजिए कि रोज आपको तुलसी का एक पत्ता खाना है मित्रों। इससे आपकी वो जो समस्या है सर्दी खांसी बीमारी की, या बहुत जल्दी जल्दी आपको रोग लग जाते हैं, तो वो जो है वो धीरे धीरे करके हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ तुलसी के कुछ पत्ते खाने से। परंतु इसका एक नियम है मित्रों, तुलसी के पौधे को कभी भी बिना स्नान के आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और तुलसी का जो पौधा होता है उसको एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और साथ ही साथ रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही आपको तोड़ना चाहिए, ना ही उसको जल समर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन अगर आप जल समर्पित करते हैं तो आपको दोष लगता है, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आप तुलसी के पत्ते का रोज प्रतिदिन सेवन कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक दिन पहले पत्ती को तोड़कर रख सकते हैं। तो पहला उपाय तो मैंने आपको बताया कि रोग बीमारी अगर आपको लगती है तो रोग बीमारी के लिए आप तुलसी के पत्तियों का इस तरीके से उपयोग कीजिएगा, आपके जीवन की जो बीमारियां हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों,
अब वीडियो में मैं आपके साथ दूसरा उपाय शेयर करने वाली हूँ जो कि तुलसी की मिट्टी का है। तुलसी की मिट्टी बहुत ही विशेष मानी गई है मित्रों। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, आप उनकी सेवा रोज करते हैं, रोज उनको जल समर्पित करते हैं, माता तुलसी आपसे प्रसन्न होती हैं। और अगर आप प्रतिदिन तुलसी की मिट्टी का एक तिलक लगाना प्रारंभ कर दें, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया, सिर्फ एक नियम बना लीजिए अपने जीवन का कि तुलसी की मिट्टी जो है, तुलसी के पौधे में जो गमले में आपने लगाया उसकी मिट्टी का आपने रोज तिलक लगाना है, तो आपकी जो है वो क्षमता बढ़ जाएगी, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। यानी कि गलत वे में नहीं, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से आपको तिलक लगाना है और इसे नियमित रूप से करना है मित्रों। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो उपाय बताए। पहला, तुलसी की पत्तियों को खाने से आपके रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा जो विशेष उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया है, तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाना है। अगर आप तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाते हैं मित्रों, तो आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। चलिए, एक विशेष चीज भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो भाद्रपद की पूर्णिमा है, इसका आरंभ कब हो रहा है। बहुत सारी जो है वो भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, तो अभी मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि भाद्रपद की जो हमारी पूर्णिमा है, उसका आरंभ जो हो रहा है 17 सितंबर 11:44 पर शुरू होने वाली है। साथ ही 18 सितंबर को यह 8:04 पर इसका समापन है दोस्तों। तो मान्यता के अनुसार यह जो है वो 17 सितंबर से शुरू होगी और 18 सितंबर को 8:04 पर समापन है। तो वैसे पूर्णिमा का व्रत 17 और 18 दोनों तिथियों में रखा जा सकता है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं, जो कि है धन योग, लक्ष्मी योग और गज केसरी योग। ये 3 विशेष योग इस एक तिथि पर बन रहे हैं, तो आपने इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तब भी आपने भगवान का पूजन करना चाहिए, विशेष रूप से माँ तुलसी की सेवा करनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब इसमें एक और विशेष उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा उपाय है मित्रों। अगर आपके जीवन में बीमारियों का ही है, बीमारियों के लिए ही मैं आपको ये बता रही हूँ, या आप कई बार आपके काम रुक जाते हैं, तो मुख्यतः बीमारियों के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए मित्रों। जैसे कि आप सबको मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है। तो अगर आप उपाय करना चाहते हैं, तो पहले से इन चीजों को तोड़ करके रखें, या जमीन पर गिरे हुए पत्तों का भी आप उपयोग कर सकते हैं मित्रों। तो अगर आपके घर में आपके कोई भी व्यक्ति जो कि बीमार रहता है, बीमारियों की उसको समस्या है, या बहुत ज्यादा सूझता रहता है, तो आपने क्या करना है, आज के दिन यानी कि 17 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपने तुलसी की मिट्टी, पत्ते या उसकी मंजरी, जो भी आपको प्राप्त हो जाता है, उसको जिस जल से वो व्यक्ति स्नान करता है, जो व्यक्ति बीमार है, दुखी है, कष्ट में है, उस व्यक्ति के जल में आपको मिला देना है और उस जल से उस व्यक्ति को स्नान करा दीजिए। जी हाँ, स्नान करने वाले जल में तुलसी के पत्ते हो सकते हैं, तुलसी की मंजरी, तुलसी की जड़ भी हो सकती है, या तुलसी का जो है वो मिट्टी, कुछ भी आप एक चीज ले सकते हैं, उस नहाने वाले पानी में आप उसको घुमा दीजिए, मिला दीजिए। अगर आप लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं पत्तों का, तो उस जल में मिला दीजिए और पत्तों को ले जा करके वापस उसी पौधे में ठंडा कर दीजिए, और उस जल से आपको उस व्यक्ति को नहलाना है। यकीन मानिए कि उसकी जो समस्या है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी मित्रों। तो मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत सरल से उपाय आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में मैं कुछ उपाय आप तक लेकर आती हूँ, वह आप सबके लिए लाभदायक होते होंगे दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी जानकारी लाभदायक लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है मित्रों। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और इसी तरह की जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्ते भीम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।